आपका बहुत शुक्रिया दोबारा मेरे चैनल को विज़िट करने के लिए। एक छोटा सा क्विज़ खेलते हैं। मैं आपको ये स्क्रीन पर ये तस्वीर बता रहा हूँ, आप बताइए कि ये किस जगह का है। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि ये कौन सी जगह है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा यूरोप की ट्रेन, जो कि फेमस है अपने टाइमिंग और अपनी फैसिलिटीज़ के लिए। तो हम जाने वाले हैं बुडापेस्ट से वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, 2 घंटा 15 मिनट का रास्ता है। तो दोस्तों, आप लोग ने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा, 24 घंटे बुडापेस्ट के अंदर। अगर नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो हमारे 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, हमारे ड्राइवर ने हमको यहाँ स्टेशन पे लाके छोड़ दिया। अब मैं जाऊँगा ट्रेन के लिए। अब देखते हैं स्टेशन कहाँ है और ट्रेन कहाँ से मिलती है। चलो यहाँ पर देखते हैं, किसी से पूछते हैं। यहाँ पर बस स्टॉप तो नज़र आ रहा है, लेकिन ट्रेन यहाँ पर एक कैफ़े है, उससे पूछते हैं। Hello, excuse me. For Vienna train? What? Train for Vienna. Train is down. For Vienna, Vienna. Austria. Down. This and side. Down. Yes. Thank you. स्टेशन बिल्कुल सामने था, लेकिन वो अंडरग्राउंड है, इस वजह से हमें दिखाई नहीं दिया। क्या बोला? नीचे भाभी, हाँ नीचे नीचे जवान। बुडापेस्ट की ये बात अच्छी है कि यहाँ पर आपको लैंग्वेज की, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर 60 से 70% लोग इंग्लिश बोलते हैं और 50% लोग समझ भी जाते हैं। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पर आपको ट्रैवल करने के लिए। तो हमारे स्टेशन का नाम है कैलेंड फोल्ड। यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा बड़े में, कैलेंड फोल्ड से हम जाएंगे वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। तो सबसे पहले ये बंदा दिखा जो म्यूज़िक बजा के पैसे मांग रहा है, जैसे हमारे इंडिया में भी ट्रेन में गाना गा के पैसे मांगते हैं। पहले तो देखते हैं हमारा प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है। यूरोप के ट्रेन की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ के जो इंडिकेटर है, साइन बोर्ड है, इतने क्लियर हो गए कि आप अगर पहली बार यहाँ की ट्रेन के सफ़र कर रहे हो तो आपको आसानी से प्लेटफॉर्म और ट्रेन मिल जाएगी। हमारी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे प्लेटफॉर्म 15 के लिए और वहाँ इंतज़ार करेंगे। ट्रेन का अभी सिर्फ 15 मिनट बाकी है। टिकट के बारे में बात करें तो हमने यहाँ से टिकट नहीं ली, क्योंकि 1 महीने पहले हमने ट्रेन का पास बुक करा लिया था ऑनलाइन। वेबसाइट का नाम है यूरेल, EURail, जिसमें आप 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन ट्रैवल पास ले सकते हैं। हमने 5 दिन का ट्रैवल पास लिया था, जिसका मतलब ये है कि आप 5 दिन में अनलिमिटेड ट्रैवल ट्रेन के अंदर कर सकते हैं, चाहे एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जाओ या उसी कंट्री के अंदर अलग अलग सिटी के अंदर जाओ, तो वही सेम पास आप यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा और एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप फास्ट ट्रेन सेलेक्ट करते हैं तो उसका सीट रिजर्वेशन चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रेन स्टेशन इतना शानदार है कि एयरपोर्ट वाली फीलिंग आ रही है। फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर। यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और देखते हैं प्लेटफॉर्म कैसा है।
आपके सामने प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म पे तो भीड़ नज़र आ रही है, बहुत सारी पब्लिक है, लेकिन ट्रेन आएगी तो देखते हैं ट्रेन में जगह मिलती है या नहीं मिलती। पीछे इस तरफ मालगाड़ी जा रही है, यहाँ पर सामने भी एक ऑयल या पेट्रोल की मालगाड़ी है। चलो इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ दूर से ट्रेन दिख रही है, बस थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। चल तान चिकी तो तुम्हें अंदर दे, चल चा बजवा हजू अंदर थी। दरवाज़ा फुली ऑटोमेटिक है। अगर आप साइकिल से ट्रैवल करते हैं तो साइकिल के लिए एक स्पेशल कैबिन है जहां अपनी साइकिल आप सेव कर रख सकते हैं। यहाँ पर रख दो लगेज ऊपर ला। ट्रेन अंदर से तो पूरी खाली है, इसके अंदर अलग अलग कैबिन है। फैमिली कैबिन है, किड्स कैबिन है, कपल कैबिन है और एक स्पेशल कैबिन है जिसको साइलेंस जोन भी कहते हैं। वहाँ पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, सब अपने किताब या फ़ोन के साथ बिज़ी रहते हैं। फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, सीट के नीचे चार्जिंग अवेलेबल है और जैकेट के लिए स्टैंड है, लगेज के लिए अलग से स्टोरेज है। और 2 स्टेशन के बाद में ट्रेन और भी खाली हो गई, पूरी ट्रेन में हम वॉक कर सकते हैं आराम से। वीडियो के शुरू में मैंने आपको ये तस्वीर बताई थी जो कि एक बाथरूम की तस्वीर है, ट्रेन के अंदर का बाथरूम। इसको ऐसा डेकोरेशन किया गया है। तो आपका क्या ख्याल है यूरोप के ट्रेन के बारे में? क्या आप इस ट्रेन के अंदर सफ़र करना चाहेंगे?